चाहेंद वेलकम टू लाइन टेक्निकल हब लाइन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है आई एम लाइन सर हैविंग थर्टी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाइड्रोलिक सिस्टम दिस इज इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक सिस्टम राइट नाउ यू कैन सी हियर इज सम डायग्राम्स दिस इज इंट्रोडक्शन में दिस इज बेसिक यू नो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे राइट जैसा कि आप सामने डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि एक होता है रिजर्वायर रिज़र्व टैंक है बेसिकली इसमें क्या होता है हाइड्रोलिक आयल रहता है रिजर्व में और यहाँ से जो है कनेक्टेड होता है आपका ये हाइड्रोलिक पंप्स। तो हाइड्रोलिक पंप क्या करेगा यहाँ से सेक्शन लेगा और जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये सेक्शन ले करके इसको जो है फर्दर पुश करेगा राइट हाइड्रोलिक आयल यहाँ से आएगा यानी कि आपका प्रेशर आएगा और ये कंट्रोल वाल्व है कंट्रोल वाल्व क्यों यूज़ होता है कि हमें जैसे कोई भी अपना सिस्टम को हमें जो है एक्चुएट कराना है तो कंट्रोल वाल्व यहाँ पर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिकली आप कह सकते हैं ये वाल्व होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल आप देंगे तो ये जो है यहाँ से ऑपरेट होगा आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसके वेरियस पोजिशनस होते हैं जो मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा और हाइड्रोलिक पम्प जो हैं उसके भी जो है कई सारे जो है कि ऑटोमेटिक होता है इमरजेंसी मोड है आपका मैनुअल मोड है तो ये सारे मोड में कैसे कैसे ऑपरेट होते हैं पंप्स उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो हाइड्रोलिक पंप्स हैं कितने तरह के होते हैं और हमें जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पंप यूज़ करना चाहिए राइट तो ये हो गया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोलिक पम्प्स का जो प्रेशर है यानी कि यहाँ से आउटलेट जो लाइन है और कंट्रोल वॉल के बीच में क्योंकि यहाँ मैगम प्रेशर अवेलेबल होता है तो यहाँ पर जो है यहाँ से एक टैपिंग लेकर के हम रिलीफ वाल्व यानी आप बोल सकते हैं सेफ्टी वाल्व भी है तो इसको जो है कनेक्टेड होता है और जब भी प्रेशर यानी कि वो पर्टिकुलर हमारा जो सेट वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो यहाँ से रिलीफ वाल्व जो है ऑपरेट होता है और ये हाइड्रोलिक के लिए एक रास्ता खोल देता है रिजर्व वायर टैंक में राइट तो जो यहाँ पर ये फ्लूड था ये इसमें से इस वाल्व के थ्रू ये रिलीफ वाल्व के थ्रू हमारा रिजर्व टैंक में आ जाएगा तो इससे क्या होगा एक्स्ट्रा प्रेशर जो जनरेट हो रहा था और वो रिलीज़ होकर के रिजर्व में आ जाएगा राइट तो इसके लिए यहाँ पर रिलीफ वाल्व होता है और ये जो कंट्रोल वाल्व है यानी कि हमारे सिस्टम में जब भी ज़रूरत पड़ेगी यानी कि रैम को ऑपरेट करना है या लोड यहाँ पर आपने देख रखा है यहाँ पर एक गन माउंटिंग है जिसको यहाँ से एक्चुएटर जो है ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए आपका इनलेट और आउटलेट होगा वो डिपेंड करता है एक्चुएटर आपका कितने जो पोजीशंस का है और इसको आप जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉन रिटर्न वाल्व भी होगा उसमें एंड रिवर्स डायरेक्शन राइट तो उसके हिसाब से आप इसको घुमा सकते हैं तो यहाँ पर माउंटिंग को घुमाने के लिए एक्चुएटर यूज़ किया है इसको एक्चुएटर को एक्चुएट करने के लिए आपका यहाँ कंट्रोल वाल्व है कंट्रोल वाल्व को जो है यहाँ प्रेशर मिल रहा है हाइड्रोलिक पंप से हाइड्रोलिक पंप जो है हाइड्रोलिक आयल जो है जो यहाँ से टैंक में रिजर्व रिजर्वा है वहाँ से ले रहा है एक्स्ट्रा जो है ऑपरेट करने के बाद आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो आउटलेट लाइन से यानी आप बोल सकते हैं रिटर्न लाइन जो है रिटर्न लाइन से होता हुआ रिजर्व में आ जाता है तो ये आपका जो है क्लोज साइकिल चलता रहता है राइट right? तो ये आपका एक कंप्लीट सिस्टम हो गया मैंने जस्ट ब्लैक आइडिया आपको दिया हुआ है इसमें तो आपको जानना ये है कि हम हाइड्रोलिक आयल को ही क्यों यूज़ करते हैं राइट right? तो जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक आयल जो है यानी आप बोल सकते हैं कोई भी जैसे वाटर है अनकम्पसिबल होता है लेकिन वाटर में अगर हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक है ईपरेशन होता है इसमें तो हम आ, हमारी जो सिस्टम है वो करोड़ हो जाएंगे तो हम इसलिए वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हम हाइड्रोलिक आयल को यूज़ करते हैं और यहाँ पर इसकी एक पर्टिकुलर विस्कॉसिटी होती है और ये जो है लुब्रिकेटिंग का भी काम करता है तो हम आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है हाइड्रोलिक आयल सिस्टम के एडवांटेज क्या है राइट right? तो हाइड्रोलिक आयल सिस्टम यानी कि जब हम हाइड्रोलिक मोटर हम यूज़ करते हैं या एक्चुएटर uh, यूज़ करते हैं या जो भी हम यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करें आपके इलेक्ट्रिक मोटर से तो इसमें ग्रेटर पावर होती है यानी कि इसकी जो पावर है पावर कैपेसिटी ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर से ज़्यादा है राइट और कितनी ज़्यादा होती है एवरेज पावर जो है हाइड्रोलिक सिस्टम का राइट अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो उसका जो है आप समझ लें कि एवरेज पावर का फोर्टी वो हमें मिलता है आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है इलेक्ट्रिक पावर का जो है यानी कि पीक वैल्यू राइट उसके बराबर होता है यानी आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का और हाइड्रोलिक का पावर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी जो पावर है जस्ट डबल है राइट right? और क्या क्या है एडवाटेज है इसमें आपका ये साइज़ छोटा होता है अगर सेम साइज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिक मोटर और आपके हाइड्रोलिक मोटर जो अगर सेम साइज़ की है तो आप पावर पाएंगे कि मोस्ट ऑलमोस्ट ये डबल से भी ज़्यादा होती है राइट right? और दूसरा क्या है कि इसका जो है कि कंप्रेसिबिलिटी क्योंकि आयल जो है कंप्रेसिबल नहीं है तो जिसकी वजह से हमें क्या है इस्मूथ ऑपरेशन मिलता है करेक्ट और थर्ड है आपका आप बोल सकते हैं कि फोर्थ सिस्टम है आपका लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर राइट right? यानी कि हमें अलग से जो है कोई लुब्रिकेशन सिस्टम देने की ज़रूरत नहीं है यानी कि हमारा जो है सिस्टम में सेल्फ लुब्रिकेशन अवेलेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक आयल राइट तो और क्या है इसमें हाई विस्कवासिटी जो है क्योंकि आयल का जो है विस्कॉसिटी का ज़्यादा होगा तो ये क्या करता है एटमिनेट्स करता है हाई फ्रिक्वेंसी एंड इस सिग्नल को रोकता है राइट right? तो इससे क्या होगा कि आपका स्मूथ ऑपरेशन होगा और इसमें किसी भी तरह का एटिनवेशन नहीं होगा राइट right? और इसमें क्या है हाइड्रोलिक आयल यूज करने से आ, या आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो काफ़ी रफ एंड टफ होते हैं राइट right? काफ़ी मजबूत होते हैं और जल्दी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं राइट right? और हाइड्रोलिक सिस्टम में ज़्यादातर हमने देखा है कि लीकेज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो मैनूफोल्ड्स वगैरह हैं या हमारे जो वाल्व्स हैं वहाँ पर जो ओरिंग्स वगैरह है वहाँ से हल्का सीपेज की प्रॉब्लम्स आती हैं तो uh, मैं आपको मेंटेनेंस भी आगे वीडियोस में बताऊंगा कि हम कैसे उसको uh, रोक सकते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए राइट तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ जो है uh, ज़रूरी बातें हैं uh, वो चीज़ें मैं आपको बहुत ब्रीफ़ बताऊँगा जैसे मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ कि इसमें एयर जो है नहीं होना चाहिए यानी कि कहीं से एयर अंदर नहीं जाना चाहिए अदरवाइज़ क्या होगा कि इसका ऑपरेशन जो है काफ़ी जर्की हो जाता है राइट right? और इसमें पलूशन नहीं होना चाहिए यानी कि जब हम कोई भी फिटमेंट कर रहे हैं पाइप्स वगैरह की तो जब हमारा सिस्टम ओपन है तो हमें बहुत ही केयरफुली काम करना चाहिए इसी में जो है डस्ट पार्टिकल या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या ऐसा कुछ जो है जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और पानी स्पेशली इसके अंदर हमारे हाइड्रोलिक ऑयल में यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल में पानी किसी भी तरह से मिक्स नहीं होना चाहिए अगर इन चीज़ों को हम बचा लेते हैं तो हम अपने हाइड्रोलिक सिस्टम को काफ़ी हेल्दी कंडीशन में रख सकते हैं और हमें जो ऑपरेशन मिलेगा बिल्कुल स्मूथ मिलेगा और इसका पावर बहुत जो है कि जर्की बिल्कुल नहीं होता है स्मूथ ऑपरेशन होता है तो ये सब सारे एडवांटेज हैं हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे राइट तो इस तरह से अब मैं आगे जो है एक्सप्लन करूँगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक पम्प्स क्या हैं और कंट्रोल वाल्व जो है कितने तरह के होते हैं ये सारी चीज़ें में है मैं जो है अगली वीडियो में जो है लाऊंगा तो आप जो है बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए आप इसका फ़ायदा उठा सकें मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद